तो नमस्कार दोस्तों, टेक गाइड के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जियो ने अपना 5G स्पेक्ट्रम इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और इसी बीच में वेलकम ऑफर के तौर पे अपना 5G हाई स्पीड इंटरनेट सभी लोगों को यूज करने के लिए वेलकम के ऑफर पर सभी लोगों को दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप सभी लोगों को ये वेलकम ऑफर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो आप इसको कैसे अपने डिवाइस पर यूज कर पाएंगे और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस इस 5G इंटरनेट को यूज करने के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप ये भी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अभी स्टेट में आपको ये सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसको भी आप कैसे चेक कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको चेक करके लाइव दिखाने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके का जब अपडेट आप सभी लोगों के लिए लाएं तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जियो का हाई स्पीड 5G इंटरनेट यूज करने का वेलकम ऑफर मिला है या नहीं मिला है, इसको चेक करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद में वहां से आप माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में उसको ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद में इसको आप अपना जो है रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपके सामने कुछ अगर ऐसा इंटरफेस आता है तो आपको मतलब जियो ऑफर मिला हुआ है, वेलकम ऑफर, इसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके आप इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ ऐसा ऑफर नहीं दिखाई देता है, मतलब आपका पेज ऐसे ही ब्लैंक रहता है कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप यहां पर देख पाएंगे कि आपको एक और ऑफर दिखाई दे रहा है जिसमें 5G एक्सप्लोर द 5 लाइफ नाउ लिखा दिखाई दे रहा है। इसमें आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने थोड़ा सा ये पेज लोड होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आप यहाँ से अपने डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस 5G को सपोर्ट करता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर डिवाइस चेक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर आपको अपना फ़ोन का ब्रांड सेलेक्ट करना होगा कि आपका फ़ोन किस ब्रांड का है। तो आप यहाँ से अपने फ़ोन के ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करना होगा कि आपका फ़ोन का मॉडल कौन सा है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके बाद में चेक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो इस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जिसमें अगर आपका डिवाइस 5G होगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको यहाँ पर 5G का लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आपका जो है डिवाइस 4G होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके सामने मैसेज खुलकर आ जाएगा, मतलब आप 5G का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद में यहीं से आप अपना जो है लोकेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपके लोकेशन में अभी 5G का सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक आना होगा। बैक आने के बाद में आप फिर से नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कवरेज चेक का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने थोड़ा सा पेज लोड होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नीचे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर उन सभी स्टेट के यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट को दिखा दिया जाएगा कि जहाँ पर आपको 5G की सुविधा मिल पाएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपको 5G की सुविधा कहां पर मिल पाएगी और आपका डिवाइस 5G के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा जानकारी इस वीडियो में दे दिया है कि आपको 5G का ऑफ़र मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस 5G के लिए कंपेटेबल है या फिर आपके एड्रेस के हिसाब से आपके एरिया में 5G का सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।